हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी सेकेंड ईयर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जिसके अंदर हम रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये भी हमारा जो आपका यूनिट वन है उसका एक पार्ट है, क्योंकि हम आगे एंट्रोपी डिस्कस करेंगे, राइट? और कार्नोट हीट इंजन डिस्कस करना है हमें, तो उसके अंदर हमारी ये प्रोसेस हमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है पता होनी, इसीलिए आज के लेक्चर के अंदर हम इन्हीं दोनों स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है। देन आज के ही लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हम नेक्स्ट हमारा कार्नोट हीट इंजन डिस्कस करेंगे, देन कार्नोट थ्योरम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस, एंड देन हम स्टार्ट करेंगे हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक्चुअली में क्या होता है बेटा, ध्यान दो कि जब भी हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम के ऊपर मैंने कुछ चीजें अप्लाई करी, ठीक है, कुछ अप्लाई करने के बाद ये हमारा दूसरे स्टेट के अंदर क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, अगर मैं इसके रिवर्स प्रोसेस में कुछ और जो है इस पे कुछ अप्लाई करूं, तो अगर ये हमें इनिशियल स्टेज के ऊपर मिल जाए, जैसा था वैसी ही चीज मिल जाए, तो उस फॉर्म को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, उस फॉर्म को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास था वाटर, ठीक है, आपके पास वाटर है, इस वाटर को मैंने फ्रीजर में रख दिया, तो ये जो वाटर है ये मेरी चेंज हो गई है किसमें, आइस क्यूब्स के अंदर। ये क्या बन गया, मेरा आइस बन गई है, ठीक है, सॉलिड के अंदर चेंज हो गया है। तो ये मैंने जब कॉल्ड किया कूलिंग पे, ये मेरी चेंज हो गई आइस पे। लेकिन अगर मैं इसके बैक रिवर्स प्रोसेस के ऊपर मैं अप्लाई कर दूं इसके ऊपर हीट, तो मुझे अगेन ही आइस किस में चेंज होती हुई मिलेगी, वाटर के अंदर, और एज इट इज वाटर मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन अगर आपने कोई भी वुडन ब्लॉक ले रखा है, ठीक है, इस वुडन ब्लॉक को मैं क्या कर रही हूँ, बर्न कर रही हूँ। ठीक है, मैंने इस वुडन ब्लॉक को क्या किया, बर्न कर दिया। ठीक है, बर्न करने पे आप सबको पता है कि ये जल जाएगी, अगर तो इसमें से जो इसका ईंधन है वो तो आपको जो है वो जल गया। ठीक है, तो बचा क्या, सिंपल कोयला टाइप का उसमें आ गया। तो यहाँ पे क्या आप इस जली हुई लकड़ी से दोबारा जो ये ओरिजिनल आपकी वुड थी, क्या उसमें इसको ऑप्टेन कर सकते हो, कभी भी नहीं, वो हमारी कभी भी ऑप्टेन नहीं होगी। इसीलिए ये जो प्रोसेस है वो आपकी कैसी कहलाएगी, आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस, कि कोई भी कंडीशन लगाने के बाद अगर जो चीज हमारे पास अब ऑप्टेन हुई है, अगर मैं बैक रिवर्स में कोई भी प्रोसेस लगाती हूँ, मैं उस चीज को ओरिजिनल की तौर पे कभी भी ऑप्टेन ना कर पाऊँ, तो वो प्रोसेस रहती है इरिवर्सिबल प्रोसेस। और जो ऑप्टेन हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, आपका ई रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो यही हमें क्या करना है, इसके अंदर लिखना है। तो चलिए हम इसके अंदर इसको स्टार्ट करते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इट इज ए प्रोसेस विच कैन बी मेड टू प्रोसीड इन द रिवर्स डायरेक्शन बाय ए स्लाइट चेंज इन इट्स कंडीशन, सो दैट द सिस्टम पासेस थ्रू द सेम स्टेट्स एज इन द डायरेक्ट प्रोसेस। ठीक है, और इसके अंदर हमारी जो इनिशियल कंडीशन थी, हमें वही एक्वायर हो जाए आपकी सिस्टम और इसके सराउंडिंग की, तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसा आप इसके अंदर देख सकते हो कि वाटर को कूलिंग फ्रीजिंग करके हम आइस में चेंज कर सकते हैं, और आइस को दोबारा से हीटिंग या मेल्टिंग करके हम दोबारा से वाटर ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके बहुत सारे कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर कि कुछ कंडीशन है जो रिवर्सिबल प्रोसेस को करवाने में फुलफिल होनी चाहिए। कौन कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, द चेंज मस्ट टेक प्लेस एट वेरी स्लो रेट, यानी कि जो आप इसके अंदर कोई भी प्रोसेस अप्लाई कर रहे हो एकदम से फास्टली नहीं होनी चाहिए, वो प्रोसेस स्लोली होनी चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू द कंडक्शन और कन्वेक्शन और डिसिपेशन ऑफ एनर्जी अगेंस्ट एनी रेजिस्टिव
इफेक्ट लाइक फ्रिक्शन, विस्कोसिटी एक्सेट्रा। अगर हम आइस टू वाटर कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर वहां पे कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस हो रहा है आपका, या वाटर का लॉस हो रहा है, कुछ आपका एवोपरेट हो गया, तो हमें बाद में जब वो हीटिंग की ड्यूरेशन पे बाद में उसमें आएगा, तो वो वहां पे लॉस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्वांटिटी आपकी बैक उसमें हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो हमें उतनी ही उसमें चाहिए, तो वो प्रोसेस कैसा रहना चाहिए हमारा, स्लो उसमें आना चाहिए। नेक्स्ट है, नो हीट शुड बी कन्वर्टेड इंटू मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक्चुअली कोई भी हमारी जो हीट है, हीट एनर्जी, वो हमारी किसी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। द सिस्टम मस्ट ऑलवेज इन बी इन द थर्मल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। सिस्टम सराउंडिंग के साथ थर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। नेक्स्ट है, आपको सबको पता है कि इसके अपोजिट जो प्रोसेस रहने वाली है, जिसके अंदर हम अपनी ओरिजिनल प्रोसेस, ओरिजिनल जो थिंग है उसको ऑप्टेन ना कर पाए, ठीक है, कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आपने कंडीशन लगा दी उसके बावजूद भी, तो उस टाइप की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। उसकी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब इसके अंदर क्या है, आप इसमें कोई एक एग्जाम्पल ले सकते हो, एक सेकेंड, इसमें आपके पास है कोई भी ऑटोमोबाइल इंजन है जैसे, ठीक है, उसके अंदर आप पर्टिकुलर कोई डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, और वहां पे जो फ्यूल है आपका, वो आपका जो लगा वो इतना लगा एक्स अमाउंट ऑफ, तो इस प्रोसेस के अंदर जो फ्यूल बर्न हुआ है, आप उसको, वो जो बर्निंग फ्यूल है वो आपका स्मोक या हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन क्या आप जो एनर्जी वो लॉस्ट हुई है, क्या आप उसको दोबारा से फ्यूल के फॉर्म में आप ओरिजिनल जो है वो गेन कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसका एग्जाम्पल हो गया, आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके अंदर जो फ्रिक्शन है वो कन्वर्ट कर रहा है एनर्जी ऑफ द फ्यूल टू द हीट एनर्जी के अंदर, और दूसरा ये वाला है। तो इसके अंदर हम कभी भी जो हमारा पहले वाला सब्सटेंस था उसको दोबारा से रिगेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उसको रिगेन कर पाना पॉसिबल भी नहीं है, तो इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। जैसा आप कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो कि जैसे आपका फ्री एक्सपेंशन में, जूल थॉमसन एक्सपेंशन में, ये आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हमारी नेक्स्ट यूनिट आएगी उसके अंदर हम इन्हीं चीजों को दोबारा से डिस्कस भी करेंगे कि फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, जूल थॉमसन एक्सपेंशन क्या होता है। आई थिंक आपको ये वाली चीजें अभी नहीं, आपके 11th में जिन्होंने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स वाला पेपर, ठीक है, 11th में नहीं, अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में भी थर्मोडायनेमिक्स जिसने पढ़ी होगी थोड़ी बहुत केमिस्ट्री के अंदर, तो मे भी उनको इस चीज का पता होगा, ठीक है। और जो सीएस के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा नॉलेज नहीं होगा फ्री एक्सपेंशन या जूल थॉमसन एक्सपेंशन के बारे में, तो वो हमारे साथ पढ़ेंगे आगे वाले टॉपिक्स में। अब इसकी एग्जाम्पल आप देख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो आपने मिल्क से कर्ड तो प्रिपेयर कर लिया, लेकिन क्या कर्ड से दोबारा से मिल्क प्रिपेयर हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, कोई ग्लास है वो ब्रेक हो गया, क्या आप उस ब्रेकिंग ग्लास, ब्रेक ऑफ जो ग्लास है उसे हम दोबारा से ओरिजिनल एज इट इज ग्लास जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। ग्रोथ आपकी किसी भी इसकी सीड की, ठीक है, किसी भी प्लांट के अंदर हो सकती है, लेकिन प्लांट से दोबारा से ये इस टाइप का सीड जो है वो नहीं बनेगा, समझ रहे हो ना। हम प्लांट को दोबारा से इस सीड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसके अंदर और दोबारा से और सीड आपके आ सकते हैं, लेकिन ये वाला सीड नहीं बन सकता, समझ रहे हो इस चीज को। तो ये कैसे हैं आपके इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जिनके अंदर जो प्रोसेस है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। कोई चीज है उसको मैं एकदम से हॉट से कोल्ड तो कर सकती हूँ, लेकिन कोल्ड से हॉट नहीं कर सकती, पता है ना, ठीक है। तो ये वाली चीज जो है आपके एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल नीचे भी मैंने मेंशन किए हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, क्या इनकी कंडीशंस हो सकती हैं, इनकी एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा कार्नोट हीट इंजन का, ठीक है, चलिए उसको फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स, थैंक यू।